Hello students, good morning. I am your English teacher and today we will be discussing the chapter On the Face of It written by Susan Hill. So let's start. Here are the main points. So it's in the story, एक लड़का है जिसका नाम है डेरेक और जिसको डेरी कहते हैं, जिसकी उम्र है 14 साल, और वो उसका जो चेहरा है वो एक तरफ से एसिड से जल गया, तो इसकी वजह से उसमें एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो अपने आप को थोड़ा सा ऐसा समझता है कि जो बच्चे हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मैं अब अच्छा नहीं रहा हूँ, मैं नॉर्मल नहीं रहा हूँ, मैं लाइफ को कैसे जी पाऊँगा, इस तरह के जो नेगेटिव थाट्स उसमें आ जाते हैं, राइट। तो इसी तरह से वो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है उसका जो नेगेटिव, जो अकेलापन चाहता है, ही वॉन्ट्स आइसोलेशन, राइट। और वो एक गार्डन में जाता है, वो गार्डन की दीवार को चढ़ के वो गार्डन में चला जाता है। उसे सोचते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, लेकिन उसे वहाँ पे जो गार्डन का मालिक है, मिस्टर जिलैम है, वो वहाँ पर मिल जाते हैं, राइट। और वो उसको देखता है, मालिक को देखता है, तो वो स्टार्टल्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई मैंने तो सोचा था यहाँ पर नोबडी विल बी हेयर, लेकिन यहाँ पर तो ये है। लेकिन जो मालिक है उससे बहुत ही प्यार से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं, जो गेट है वो हमेशा खुला होता है, केवल तुम ही हो जो दीवार को चढ़कर आए, राइट। वो बच्चा कहता है नहीं नहीं मुझे तो वापस घर जाना है। वो कहता है नहीं, तुम्हें घर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर समय बिता सकते हो, राइट। और अभी सितंबर का महीना है और ये जो गार्डन है इसमें एप्पल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। फिर वो बच्चा कहता है कि तुमने टॉपिक चेंज क्यों किया, सभी लोग ऐसे ही करते हैं कि वो टॉपिक को चेंज कर लेते हैं, तुम्हें ये पूछना चाहिए था मैं कौन हूँ, मेरा चेहरा कैसे जल गया, लेकिन ऐसा तो तुमने पूछा नहीं, तुमने टॉपिक चेंज कर लिया, राइट। तो वो कहता चलिए बताइए तुम कौन हो, तो बताता मेरा नाम डेरेक है, लेकिन मैं मुझे डेरी कहते हैं, और मेरी जो एज है वो 14 साल है, और जो मेरा चेहरा है वो एसिड गिर गया था उससे जल गया, और इस एसिड ने ना सिर्फ मेरा चेहरा खा लिया बल्कि मेरी लाइफ खा ली। मेरी लाइफ खाने का मतलब है कि उसे ऐसे लगता है उसका जो जीवन है पूरा बर्बाद कर दिया उस एसिड ने। लेकिन वो जो मिस्टर लैम है वो समझाते कि ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते कि मेरी जो एक टांग है वो युद्ध में उड़ गई थी, नष्ट हो गई थी, और एक जो टांग फिलहाल है वो मेरी टिन की है, यानी जो असली वाली जब उड़ गई युद्ध में तो उसके बाद उन्होंने टिन की जो लगवा ली। और बच्चे हैं वो कहते हैं कि मुझे लैमी लैम कहते हैं चिढ़ाने के लिए, लेकिन वो सही कहते हैं, भाई मैं लंगड़ा हूँ तो मुझे लैमी लैम कहते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। और वो एंजॉय करते हैं, ऐसे चिढ़ाते हैं, लेकिन मुझे उस मैं इस चीज़ को इग्नोर कर देता हूँ, राइट। और वो जो लाइफ के प्रति जो पॉजिटिव उसका नज़रिया है वो उस बच्चे को समझाने की कोशिश इस चैप्टर में करता है। वो कहता है आप वहाँ देखिए दूर क्या दिखाई दे रहा है, तो वो कहता है जी वहाँ पर तो घास फूस है, रबिश है। कह रहा है वो रबिश नहीं है, वो तुम्हारे लिए रबिश हो सकता है, मेरे लिए वो वीड्स प्लांट है। वीड्स का मतलब है खरपतवार के पौधे हैं, जैसे एक फ्लावर का पौधा है ऐसे ही एक वीड्स का पौधा है। तुम चाहो तो उसे वीड्स कह सकते हो, तुम चाहो तो उसे एक पौधा कह सकते हो। फिर वो उसको बताते कि क्या तुमने वो स्टोरी नहीं सुनी है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। वो कहता है हाँ जी मैंने तो सुनी है। कह रहा क्या कहानी है, तो जो डेरी लड़का है वही उस कहानी को बताता है कि एक ब्यूटी थी, यानी कि सुंदर लड़की थी, और उसने एक बहुत बड़े राक्षस को किस किया, तो वो जो मॉन्स्टर था वो एक सुंदर हैंडसम प्रिंस में बदल गया, राइट। क्योंकि जो ब्यूटी थी वो उसको इसलिए प्यार करती थी क्योंकि वो एक अच्छा था, उसकी जो इंटरनल जो चीज़ थी वो बढ़िया थी, वो बाहर से चाहे भले ही राक्षस था, तो किस करने के बाद वो हैंडसम प्रिंस में बदल गया। लेकिन वो कहता है कि वो राक्षस तो बदल गया था लेकिन मैं ऐसे नहीं बदलूंगा, क्योंकि वो नेगेटिव है, नेगेटिव सोचता, वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं बदलूंगा, वो मॉन्स्टर बदल गया था। तो मिस्टर लैम उसको बताते हैं कि ऐसा नहीं है, वो ये कहते हैं कि जो तुम अकेला रहना चाहते हो कि मैं अकेला रहूँगा, मैं लोगों से मिलूँगा नहीं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे चेहरे को भद्दा बताते हैं, अगली बताते हैं, और वो डर जाते हैं, तो ये जो चीज़ें दीज थिंग्स विल नॉट हेल्प यू। वो बताता कि कैसे एक व्यक्ति था वो अकेला रहना चाहता था, उसे लगता था अगर मैं घर से बाहर जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। कैसे मर जाऊँगा, उसे लगता था या तो मुझे जो कोई एक बस आएगी और वो कुचल देगी,
या कोई जो गधा है वो मुझे लात मार देगा, मैं मर जाऊंगा, राइट। लोग हंसेंगे। उसे लगता था कि ऐसे होगा कि कोई आदमी अपने सांस के द्वारा कोई बीमारी छोड़ देगा जो मुझे हो जाएगी, या जो आसमान से जो बिजली है वो गिरेगी तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा भी उसे लगता था, या कोई लड़की उसको प्यार करेगी और वो उसको छोड़ के चली जाएगी तो इस वजह से वो मर जाएगा। तो इन कारण से उसने क्या किया, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, भाई मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं तो फिर मरूंगा कैसे। लेकिन क्या हुआ कि जो पिक्चर थी वो उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। तो क्या कंक्लूजन है कि आप इस तरह से लाइफ को नहीं बिता सकते, आइसोलेट होकर आपको लाइफ को आप नहीं बिता सकते कि मैं कमरे में बंद रहूँगा या मैं लोगों से नहीं मिलूंगा, जैसे कि वो जो डेरी है वो सोचता है, राइट। वो बच्चे कहते हैं कि मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है, और यहाँ तक कि जो मेरी मम्मी है वो मुझे किस करती है, लेकिन किस भी मेरे चेहरे के उस हिस्से में करती है जो जला हुआ नहीं है, और जो मेरी मम्मी है वो इसलिए किस करती है मुझे क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ता है, लेकिन मैं मम्मी के किस किए जाने को भी पसंद नहीं करता हूँ। तो वो कहते हैं कि लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम किसी को किस कर सकते हो। कह रहे जी मैं किसको किस कर सकता हूँ, कह रहा है ऐसा है भाई, जो लोग आपको प्यार करते हैं या जो लोग आपको प्यार करेंगे उनको आप किस कर सकते हो। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है जो लड़कियां हैं, सुंदर लड़कियां हैं, लंबे बाल वाली लड़कियां हैं, बड़ी आंखों वाली लड़कियां हैं, हो सकता है तुम उनको किस कर लो, वो तुम्हें प्यार करती हो, कौन कह सकता है, राइट। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ये आपको नहीं सोचना कि जी मेरे साथ तो ये गलत हो गया तो मैं तो गलत ही हूँ या मैं तो दुर्भाग्यशाली हूँ, ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़का कहता है कि एक बार मैंने दो औरतों को बात करते हुए सुना था, वो बात कर रही थी, उन्होंने कहा था देखो ये लड़का कितना भद्दा है और ऐसे लोगों को तो अलग रखना चाहिए। तो उसने कहा क्या तुमने उनकी पूरी बात सुनी, उन्होंने कहा नहीं जी पूरी बात तो नहीं सुनी। जब आपने पूरी बात नहीं सुनी तो आपने तो बीच में से कुछ वर्ड सुन ली और फिर आपने अनुमान लगा लिया कि मेरे बारे में ही कह रही है और यही मतलब है, हो सकता है उनकी पूरी बात का कुछ और मतलब हो। और क्या तुमने ज़िंदगी में केवल यही एक बात है जो तुमने सुनी है जो तुम्हें याद है, क्या तो इसके अलावा तुमने अच्छी बातें नहीं सुनी, राइट। तो जो अच्छी बातें हैं तुमने भी तो याद रख सकते हो, तुम अगर ख़राब चीज़ों को याद रख रहे हो जो कि तुमने पूरी नहीं सुनी, तुम चाहो तो जो अच्छी अच्छी जो बातें तुमने अपनी लाइफ में सुनी है तुम उनको याद रख सकते हो, खुश रह सकते हो, राइट। तुम्हें नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। और जो मिस्टर लैम है वो उसको समझाते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, तुम पैदा होते तो अपाहिज होते या गूंगे होते या बहरे होते या पागल होते या तुम्हारी लार टपकती, ऐसा हो सकता था, राइट। लेकिन आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ध्यान देना कि वो चीज़ें उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। मान लीजिए तुम्हें अपनी लाइफ अगर व्हील चेयर पर बितानी पड़ती तो कितना ज़्यादा ख़राब होता, राइट। लेकिन लकली ऐसा नहीं है, तो जो पॉजिटिव चीज़ें तुम्हारे पास है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पॉजिटिव है, तुम्हें उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, राइट। अब ऐसा तो यू जो आपको एसेंस है वो ये समझने की ज़रूरत है कि जो मेन चीज़ है, जो मेन चीज़ है वो जो आउटर अपीयरेंस है वो मैटर नहीं करती, और जो मेन चीज़ है दैट मैटर्स वो क्या है, जो इनर ब्यूटी है, जो अंदर की सुंदरता है, जो मन की सुंदरता है, जो आत्मा की सुंदरता है, वही चीज़ है जो मैटर करती है, राइट। तो जो बाहरी है, जो आपका मान लीजिए चेहरा वो कहते हैं कि जल गया है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो सभी तुम्हें प्यार करेंगे और तुम अपनी लाइफ को बहुत ही बढ़िया तरीके से जी पाओगे। वो बताता कि एक बार उसने अपने मम्मी पापा को बात करते हुए सुना था कि अभी तो हम जिंदा है और हमारे मरने के बाद ये जो लड़का है कैसे इस दुनिया में घुल मिल पाएगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है, तुम्हारे दो हाथ है, तुम्हारे दो पैर है, तुम्हारे आँखें हैं, दो कान हैं, तुम क्या नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो जैसे कोई भी स्वस्थ बच्चा स्वस्थ होता है, नॉर्मल होता है, उस तरह से हो। तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं जो जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसमें मैं घुल मिल नहीं मिल पाऊंगा। क्यों नहीं घुल मिल पाओगे, क्योंकि सभी चीज़ें नॉर्मल है, आप आराम से कर सकते हो, आपको सिर्फ अपनी ये जो सोच है इसको निकालने की ज़रूरत है। तुम्हें एक निराशावादी होने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बी अ पैसिमिस्ट, राइट, यू मस्ट बी एन ऑप्टिमिस्टिक। तुम्हें एक ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, एक आशावादी होना चाहिए, तभी जो आपकी जो लाइफ है वो इजी तरीके से जा सकती है।
राइट। तो जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, लेकिन चीज़ें ख़राब नहीं है। अब तो अगर आप अपनी सोच को ही ख़राब कर लेते हो तो वो ज़बरदस्ती ख़राब कर रहे हो आप, राइट। वो अपने बारे में बताते हैं कि लोग मुझे चिढ़ाते हैं, लैमी लैम कहते हैं, मेरी भी एक टांग नहीं है लेकिन मेरा देखो कितना ज़बरदस्त जो अप्रोच है वो अलग है। वो कहते हैं कि मैं जो वो समझता है कि वो जो पौधे हैं घास फूस है उसको भी वो पौधे कहता है कि ये मैंने उगाए हैं, ये जो गार्डन है एक वीट्स गार्डन है, राइट। और यहाँ पर बच्चे आते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, मुझे सभी अच्छे लगते हैं, कोई भी आता है कोई भी जाता है, और मैं सेब तोड़ता हूँ, उनकी जेली बनाता हूँ, और एक टांग होने के बाद भी मैंने सीढ़ियाँ लगा कर सेबों को तोड़ना सीख लिया है, राइट। तो वो निराश नहीं हुआ अपनी लाइफ में, उसने अपने आप को पॉजिटिव रखा और जो चीज़ें वो लगातार बेहतर होती चली गई। तो फिर उन दोनों में एक दोस्ती बन जाती है, और जो डेरी है वो कहता है कि मैं मुझे घर जाना है लेकिन मैं प्रोमिस करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा। तो मिस्टर लैम है वो कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे वो प्रोमिस करते हैं लेकिन वो वापस नहीं आते, और मुझे लगता है कि तुम भी वापस नहीं आओगे। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं अन्य बच्चों की तरह दूसरे बच्चों की तरह नहीं रहूँगा कि मैं गया और वापस नहीं आया, आई रियली लाइक यू एंड आई वुड डेफिनेटली रिटर्न। अब वो अब घर जाते हैं, घर जाने के बाद वो अपनी मम्मी से बात करते हैं कि मैं ऐसे एक जगह गया था और वहाँ पर वो जो अंकल है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं, वो ऐसी बातें बताते हैं जो कोई भी नहीं बताता। तो उसकी मम्मी है वो मना करती है, वो कहती है कि हमें यहाँ पर आए हुए 3 महीने हुए हैं और मुझे सब कुछ पता है, तुम क्या सोचती हो, तुम क्या सोचते हो कि मुझे उनके बारे में पता नहीं है, मुझे सब पता है और तुम्हें चेतावनी दी जाती है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, ठीक है, वहाँ जाना सही नहीं होगा, सब पता है, और हमें यहाँ पर आए हुए भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो हमें इस तरह के लोगों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो बच्चा वो कहता है नहीं, वो अलग है, बिल्कुल अलग है, और वो ऐसी बातें करते हैं जैसे कोई भी नहीं करता, और मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। और आखिरकार जो बच्चा वो वहाँ पर चला जाता है, और वो जाता है गेट से जाता है तो वो देखता है वहाँ से कि जो मिस्टर लैम है वो एक सीढ़ी लगाकर पेड़ पर चढ़े हुए हैं और वो सेब वो तोड़ रहे हैं, और अचानक से जो टहनी है वो झुक जाती है, जहाँ पर वो सीढ़ी लगी हुई थी वो जो टहनी है वो झुक जाती है, और जो सीढ़ी है वो आगे थोड़ी होकर पीछे गिर जाती है। अब वो पीछे गिर जाती है तो मिस्टर लैम भी सीढ़ी के साथ गिर जाते हैं, जोर की आवाज़ आती है, और तब वो जो डेरी है वो भागकर मिस्टर लैम के पास जाता है, वो उनको आवाज़ लगाता है, उनको पुकारता है, लेकिन वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता क्योंकि जो मिस्टर लैम है वो मर चुके हैं, राइट। तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो उनको लैमी लैम भी कहता है, पहले तो मिस्टर लैम कहता है, बाद में वो लैमी लैम भी कहता है, बट देयर वॉज नो आंसर बिकॉज मिस्टर लैम वॉज डेड। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए, और मेनली जो चीज़ इस चैप्टर में बताई गई है वो ये है कि आपको जो आउटर अपीयरेंस है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड टू फोकस ऑन योर इनर क्वालिटीज़, आपकी एक्चुअल में जो क्वालिटीज़ है, जो प्यार है, कंपैशन है, राइट, पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये चीज़ें होनी चाहिए, तब आप लाइफ को बढ़िया तरीके से जी सकते हैं, ठीक है। तो आगे भी जो इस चैप्टर के वीडियोज़ है वो मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।